हमने देखा किस तरीके से महाराष्ट्र में दोस्त दुश्मन बन गया. चुनाव के बाद शिवसेना ने बीजेपी से दगा किया और इस वक्त एनसीपी और कांग्रेस के साथ मिलकर सरकार चला रहे. उसके बाद जितने भी राजनीतिक पंडित हैं वो ये आंकलन लगा रहे हैं कि इसका प्रभाव बिहार में क्या होगा. क्या ऐसा तो नहीं कि नीतीश कुमार बाद में आरजेडी और कांग्रेस के साथ एक बार फिर से चले जाए और बीजेपी अकेली पड़ जाए. देखिए, शिवसेना को मुख्यमंत्री का पद चाहिए था और यहाँ तो नीतीश जी पहले से मुख्यमंत्री हैं, तो अगर बीजेपी मुख्यमंत्री के पद का दावा करती तब ना कोई बात होती. और हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री अमित शाह जी ने तो ऐलान कर दिया है कि अगला चुनाव श्री नीतीश कुमार के नेतृत्व में लड़ा जाएगा. इसलिए महाराष्ट्र की यहाँ क्या इसका कोई संबंध नहीं है, क्योंकि हाल ही में आरजेडी के जो वरिष्ठ नेता हैं रघुवंश प्रसाद, उन्होंने बयान दिया कि महाराष्ट्र के बाद आरजेडी और जेडीयू में एक बार फिर से बातचीत का रास्ता खुल गया है और देखिए कुछ बड़ा होने वाला है. क्या बड़ा होने वाला है सर बिहार में? देखिए, उनके बयान को तो उनके नेता तेजस्वी यादव ने ही खंडन कर दिया, जगता बाबू ने ही खंडन कर दिया. इसलिए महाराष्ट्र की स्थिति का कोई दूर दूर तक बिहार की राजनीति से कोई संबंध नहीं है, क्योंकि वहाँ लड़ाई थी मुख्यमंत्री के पद को लेकर. और जब हम लोगों ने नीतीश जी को मुख्यमंत्री स्वीकार कर लिया, अगले चुनाव में भी उन्हीं के नेतृत्व में चुनाव लड़ा जाएगा, तो फिर कहाँ कोई महाराष्ट्र. मैं बताता हूँ कि विवाद कहाँ पे आ सकता है. विवाद संभवतः इस बात को लेकर शुरू हो सकता है कि बीजेपी और जेडीयू कितनी सीटें लड़ेंगी. बीजेपी लाजमी तौर पर मानती है कि आज की तारीख में जेडीयू से वो ज़्यादा बड़ी पार्टी है. नीतीश कुमार ये माने ना माने, महाराष्ट्र में तो शिवसेना मान गई बीजेपी से कि हम छोटी पार्टी हो गई और कम सीटें लड़ी, बीजेपी ज़्यादा सीटें लड़ी. अगर बिहार में सीट शेयरिंग पर विवाद हो जाता है कि 50-50 होगा या पिछली बार जेडीयू ज़्यादा सीटें लड़ी थी, तो शुरू हो गई आपकी लड़ाई. ये कहाँ किसने कहा कि कितनी सीट पर कौन लड़ेगा, तो विषय नहीं आया. अभी तो चुनाव में बहुत देर है और देखिए, ये सब इश्यूज़ को हम सक्षम बैठ कर समाधान करने के लिए. कभी बीजेपी ने नहीं कहा कि हम बड़ी पार्टी हैं. ये मीडिया ही झगड़ा लगाने के लिए कभी कहेगा कि जेडीयू बड़ी पार्टी, कभी कहेगा बीजेपी बड़ी पार्टी है. तो बीजेपी ने तो कभी नहीं कहा कि हम जेडीयू से बड़ी पार्टी हैं. हमारे 54 MLAs हैं, उनके 71 MLAs हैं. और देखिए, जो सबसे बड़ा क्राइसिस था वो लोकसभा के इलेक्शंस में था. तो जब लोकसभा के इलेक्शन के अंदर हम लोगों ने कुछ सीटें कंसीड कर दिया, अब बराबर बराबर सीटों पर चुनाव लड़े हम लोग, तो देखिए मैं यही कहूँगा कि जब भी विधानसभा चुनाव नज़दीक आएगा, हमारा संबंध आज का नहीं करीब 17 साल पुराना संबंध है और एक चुनाव ने आधा दर्जन चुनाव मिलजुल कर लड़ चुके हैं. तो जब समय पर आएगा तो असेंबली सीटों का भी बंटवारा कर लेंगे बिना कोई झगड़े का, बिना किसी विवाद के, और मीडिया को भनक भी नहीं लगने देंगे और मिलजुल कर हम लोग चुनाव लड़ेंगे. आप कह रहे हैं कि हमने नहीं कहा कि बीजेपी बड़ी पार्टी, आप ही के कई पार्टी के नेता हैं और आप जानते हैं कि इसमें कभी कभी आप अकेले पड़ जाते हैं पार्टी में, जब गिरिराज सिंह टाइप के लीडर खड़े होकर बोलते हैं कि हम अपने दम पे जीत सकते हैं, हमें नीतीश कुमार की बैसाखी की जरूरत. कभी गिरिराज सिंह का ऐसा कोई बयान मैंने तो नहीं देखा है. आपने देखा है कि उनकी राय कभी कोई इस तरह का बयान. और देखिए, पार्टी के अंदर पार्टी के अध्यक्ष का मंत्री बहुत सारे हैं, लेकिन क्या अमित शाह ने कभी कहा क्या? क्या भूपेंद्र यादव प्रभारी उन्होंने कहा क्या? क्या बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष ने कहा क्या? मैं वहाँ पर विधायक दल का नेता हूँ, डिप्टी CM हूँ, मैंने कभी कहा क्या? अब पार्टी में बहुत लोग हैं, बहुत सारे लोगों के व्यक्तिगत बयान आते हैं, लेकिन ऑफिशियल बयान जो है किसी मंत्री का नहीं माना जाता, पार्टी के अध्यक्ष का, लीडर ऑफ पार्टी या प्रभारी इन्हीं लोगों का माना जाता है. इसलिए कभी भी किसी इस तरह के किसी पद पर बैठे व्यक्ति का कोई बयान मैंने तो नहीं देखा है. तो आप कह रहे हैं कि बीजेपी में फिलहाल महाराष्ट्र के बावजूद ऐसी कोई चिंता नहीं है कि जेडीयू की हर सीट विपक्ष की एक सीट हो सकती है? मैं कह रहा हूँ कि राहुल जी बिल्कुल चिंता मत कीजिए. मैंने कहा कि जब चुनाव नज़दीक आएगा तो दोनों दल बैठकर, दोनों तीनों दल बैठकर सीटों का बहुत एमिकेबल तरीके से हम बंटवारा कर लेंगे और ये कभी कोई विवाद का मुद्दा नहीं बनेगा. सर, मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ कि नीतीश और सुमो की जो जोड़ी थी उसका version 1 और version 2 क्या फ़र्क आप पाते हैं? जब नीतीश कुमार के साथ आपकी बैटिंग चलती है, पहले की जो जोड़ी थी और आज की जो जोड़ी है उसमें क्या फ़र्क? देखिए, मुझे तो कोई फ़र्क दिखाई नहीं पड़ा. और देखिए, जब हम किसी के साथ रहते तो ईमानदारी के साथ रहते हैं और जब विरोध करते तो ईमानदारी से विरोध करते हैं. तो
तो जितने साल नीतीश कुमार के साथ रहे उनको पूरी मदद की, और जिस दिन गठबंधन टूटा 2013 में एक घंटा भी नहीं लगा उनके खिलाफ बयान देने में, उनके खिलाफ लड़ने में, और चार साल मजबूती से नीतीश कुमार के खिलाफ लड़ते रहे। और जब फिर दोबारा दोस्ती हो गई तो उसी मजबूती के साथ सरकार चलाने में उनकी मदद कर रहे हैं। देखिए, बिहार के लोग डेवलपमेंट चाहते हैं और डेवलपमेंट सेकुलर होता है। डेवलपमेंट इज़ नथिंग टू डू विद हिंदू और मुस्लिम और बैकवर्ड फॉरवर्ड और एनी अदर कास्ट और कम्युनिटी। तो जो डेवलपमेंट है, और इसलिए विकास के मुद्दे पर हम लोग मिलकर काम कर रहे हैं, और आज तक पिछले 13-14 साल में कभी कोई तफरका पैदा नहीं हुआ डेवलपमेंट के मुद्दे पर जो है, और आगे भी मुझे नहीं लगता कि किसी प्रकार का कोई डिफरेंसेस डेवलपमेंट के मुद्दे पर बिहार के अंदर पैदा होगा जो है।